मिलके गांव से पुलिस ने एक महिला के शव बरामद किया। मायके वालों ने लगाया हत्या करने का आरोप। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंगिया थाना क्षेत्र करदिया पंचायत स्थित मिलके ग्राम के राम टोली में बुधवार को खाना बनाने के दौरान हुई देवरानी से विवाद के बाद में संदिग्ध स्थिति में फंदे से लटकी मिली जेठानी की लाश। महिला की मौत की खबर धीरे धीरे आगे तरह आसपास के इलाके के साथ महिला के मायके तक पहुंच गई। मायके वाले ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष किसान मंडल के नेतृत्व में SJSI विशाल कुमार और दीप शिखा ने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौत के कारणों की तहकीकात में जुट गए। महिला की पहचान मिल्की ग्राम के स्वर्गीय अशोक राम की पत्नी बसंती देवी के रूप में की गई। महिला के पुत्र 11 वर्ष से रोशन ने बताया कि सुबह उसकी माँ खाना बना रही थी, इसी दौरान चाची गीता देवी चूल्हे के पास चप्पल खोलकर रख दी। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। मम्मी ने मुझे तैयार कर स्कूल भेज दिया। 2 घंटे बाद सूचना मिली कि मम्मी का शव घर में पड़ी है। रोशन ने बताया कि पिता की 6 महीना पूर्व मौत हो चुकी है। छोटी छोटी बात को लेकर अक्सर दादी चाची के साथ विवाद होती रहती थी। बसंती के पिता पिपरा गांव निवासी कुशेश्वर राम ने बताया कि मेरी बेटी के साथ ससुराल वाले अक्सर विवाद और मारपीट करते रहते थे। कई बार सामाजिक स्तर पर पंचायत भी की गई थी। इन सब बातों को लेकर पिता मायके वालों पर हत्या करने का आरोप लगा रहे थे। बसंती की माँ कह रही थी कि माँ दामाद की मौत के बाद बेटी ने 2 पुत्र और 1 पुत्री की भरण पोषण कर रही थी। उन्हें अब चिंता सता रही थी कि पुत्री के मौत के बाद अब इन बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। वहीं पुलिस ने तहकीकात के उपरांत सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया। साथ ही घटना की छानबीन में जुट गई है। बसंती देवी, क्या हुआ था आज? झगड़ा हुआ था सुबह। सुबह में झगड़ा हुआ किससे? चाची। क्या नाम है चाची का? चाचा का? नीतीश राम। क्यों झगड़ा हुआ था? मम्मी खाना बना रही थी, चप्पल लगा मेरा। हाँ, तब झगड़ा हो गया था। तो झगड़ा के बाद कुछ हुआ भी? कुछ नहीं हुआ। तो आप कहाँ गए थे? कहाँ पढ़ते हैं? विद्या हाई स्कूल। विद्या बिहार स्कूल में।